अलीवाल से मारपीट के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें केस की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस की 4 टीम वैभव कुमार की तलाश कर रही है। वैभव कुमार के अमृतसर में होने की खबर सामने आ रही है। घटना वाले दिन का पूरा सिक्वेंस दिल्ली पुलिस बनाएगी और उसी आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वैभव कुमार की तलाश की जा रही है और अमृतसर में वैभव कुमार छिपे हो सकते हैं। पुलिस की 4 टीम वैभव कुमार की तलाश तेज करती हुई जांच को आगे बढ़ा रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि केजरीवाल के पीए हैं वैभव कुमार, जिन पर मारपीट का आरोप लगाया गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं। इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। कई सवाल बीजेपी पूछ रही है कि आखिरकार एक तरफ महिलाओं की आवाज बनने की बात कही जाती है तो दूसरी तरफ आप ही के नेता पर जब मारपीट हुई है तो आखिरकार क्यों एक्शन पार्टी नहीं ले रही। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सूत्र बता रहे हैं रिपोर्ट में चेहरे में अंदरूनी चोट के निशान मिले हैं। स्वाति मालीवाल का एक्सरे हुआ, सिटी स्कैन हुआ, करीब 3 घंटे तक स्वाति मालीवाल का मेडिकल चला और इस मेडिकल रिपोर्ट में कई बड़े दावे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का 3 घंटे तक मेडिकल हुआ था, जिसमें एक्सरे किया गया स्वाति मालीवाल का, सीटी स्कैन किया गया और उस मेडिकल रिपोर्ट में खबर ये मिल रही है कि रिपोर्ट में चेहरे पर अंदरूनी चोट के निशान है। यानी कुल मिलाकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। केजरीवाल के पीए वैभव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना के विरोध में बीजेपी की महिला विंग ने सीएम केजरीवाल के घर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के घर बाहर पहुंच गई और वहां पर अपना विरोध जताया। लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, और चुनाव के बीच जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की महिला विंग की कार्यकर्ता लाइव तस्वीरें आपको स्वाति मालीवाल की दिखा रहे हैं। आज की ये पहली तस्वीर स्वाति मालीवाल की आप देख सकते हैं News 18 पर, जहां पर देखिए स्वाति मालीवाल गाड़ी में बैठी हुई है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। चूंकि उनके पास कई सवालों के जवाब हैं, बहुत सनसनीखेज आरोप उन्होंने केजरीवाल के पीए पर लगाया है। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची हुई है, यानी कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस भी करेगी। चूंकि स्वाति मालीवाल केस दर्ज करा चुकी है इसमें, और यह आपको हम केजरीवाल के बाहर की तस्वीरें जहां पर देखिए चूड़ियां लेकर पहुंची महिला, चूड़ियां दिखाकर ये बताने की कोशिश है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी किस तरह से कमजोर है, महिलाओं के मुद्दे पर एक्शन लेने से बच रही है। बीजेपी की महिला विंग, ये तमाम महिला कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करती हुई, तस्वीरें लाइव हैं। केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, चूड़ियां लेकर ही प्रदर्शन करने पहुंची है महिलाएं। तो वहीं बीजेपी ने स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना के मामले में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, उधर आरएलडी ने पूरी घटना की निंदा की है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात एफआईआर में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। अब इसके बाद तो दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है, भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है। किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का ओएसडी को, उसको किस तरह उसकी ट्रेनिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ और खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ किस तरह की चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे सिखाया जाता है, और ये तो एक लेडी के साथ, और जो सांसद है उसके साथ मारपीट हो गई तो 5-6 दिन तो इन्होंने लगा दिए उसको एक्सेप्ट करने में, और उसके बाद भी केजरीवाल जी अपने साथ लेके उनको घूम रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम इसकी जोरदार निंदा करते हैं।
वहीं स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी हंगामा तेज हो गया है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप लगे, वो सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते कैमरे में कैद हुए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो वो विभव कुमार पर चुप्पी साध लिए। इधर स्वाति मालीवाल से जुड़े सवालों पर केजरीवाल ने चुप्पी साधी तो उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि आरोपी शख्स दिल्ली के सीएम के साथ उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। आई एम बीइंग टोल्ड दैट इन उत्तर प्रदेश He was seen walking around with the accused. Leave alone talking about it or punishing the person. He is on the contrary walking around with this person, the accused. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this. उधर असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने भी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला। स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली पुलिस को कम्प्लेन दिया है, स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि मेरा साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। अभी प्रश्न यही है, अगर बहुत बुरा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों रहे? उनका सामने जब बुरा हुआ था अरविंद केजरीवाल कहाँ था? वही रूम में था कि नहीं था? अगर इतना बुरा हुआ है, जो स्वाति मालीवाल जी का ही भाषा है कि मेरा साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, तब अभी भी वो व्यक्ति को लेके केजरीवाल जी क्यों घूम रहा है? केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद से दिल्ली की सियासत में बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया है, ऐसे में उनका ये दूसरा ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत रद्द का जो है वो चुनाव तक भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे अक्यूज्ड का जो बार बार ऐसा क्राइम कर रहा हो वो बाहर नहीं खुला घूमना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे, आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज चार दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। इस बीच दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक पत्र जारी कर दिया है। यही नहीं, बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ता